जय हिंद फ्रेंड्स, आम भारत प्रतिरक्षा क्षेत्र में दिनक दिन नुआ नुआ उपलब्धि हासिल कर चली। आज जो टेक्नोलोजी विषय में आलोचना करवा ताहा विश्वर हातगणती मात्र किसी देश निकट में रही। आम भारत एमिति विध्वंसक अस्त्रशस्त्र तैयारी करिवार लागि पड़ी जहाँकि अमेरिका एवं रुषिया अस्त्रशस्त्र को बराबर टक्कर दे पार। यही अस्त्र आम भारत को फ्यूचरिस्टिक वेपन फिलिंग प्रोवाइड कर। तेज यह फ्यूचर अस्त्र कौन और किपर काम कर यह जाणी पूर्व वीडियो को एक प्यारा लाइक एवं आम चैनल को सपोर्ट प्लीज। हाँ फ्रेंड्स, आपण मैंने समस्ते जानते डीआरडीओ द्वारा डायरेक्ट एनर्जी वेपन बा लेजर वेपन को परीक्षण कर सारी। यह पूर्व अनेक थर परीक्षण कर सारी। मीडिया रिपोर्ट मुताबक डीआरडीओ द्वारा यह लेजर अस्त्र को नेभाल वारशिप मुतयन करने को प्लानिंग कर। पूर्व अमेरिका निजर नेभाल वारशिप लेजर वेपन को मुतयन कर सारी। यह छड़ा चाइना निजर नेभाल वारशिप डायरेक्ट एनर्जी वेपन को मुतयन करने को चेस्टा करुछि। किंतु आम भारत कथा जदि कहिबो तेबे वर्तमान जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन विषय में कहुची ताहा 2 किलो वाट डायरेक्ट एनर्जी वेपन अटे जहाँकि 3-4 किलोमीटर रेडियस रे काम करि पारे। एहाकु नेभाल वेसल्स रु ऑलरेडी परीक्षण करा जाय सारिछि। डीआरडीओ रो कहिबा मुताबक डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम जेकोनोसी वेपन सिस्टम थारु कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन अटे जहाँकि जेकोनोसी ड्रोन किंबा लो फ्लाइंग एयर ऑब्जेक्ट को धराशायी करि पारे। पूर्वरु कहिछि एहाकु नेभाल वारशिप रु ऑलरेडी परीक्षण करा जाय सारिछि। किंतु एही 2 किलो वाट रो लेजर वेपन को वारशिप रे इंटीग्रेट करबा को नौसेना चाहू नाही। नौसेना रो कहिबा हला एहाठारु अधिक लार्ज साइज रो लेजर वेपन को इंटीग्रेट करिब। अर्थात नौसेना चाहूची अनेक दूर टार्गेट को ध्वंस करिबा पई जहा फळरे ड्रोन किंबा लो फ्लाइंग एयर ऑब्जेक्ट को ध्वंस करिबा सहित फाइटर जेट हेलीकॉप्टर एवं मिसाइल को मध्य इंटरसेप्ट करि पारिब। वर्तमान नौसेना तरफरु डीआरडीओ को कहा जाउची 100 किलो वाट रो डायरेक्ट एनर्जी वेपन विकसित करिबा पई जहाकी नौसेना रो फ्रंट लाइन वारशिप रे इंटीग्रेट करा जिवो। आशा करा जाउची नौसेना रो फ्यूचर डिस्ट्रॉयर्स एवं फ्रिगेट्स रे एही सिस्टम को इंटीग्रेट करा जिवो। तेबे आपण माने कमेंट करी कुहंतु नौसेना को लॉन्ग रेंज रो डायरेक्ट एनर्जी वेपन रो आवश्यक अछि ना नाही। एवं वीडियो जदि पसंद होइथिले वीडियो को लाइक शेयर करबा सहित आम चैनल को सपोर्ट प्लीज। जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग।